छतरपुर जिला के राजनगर तहसील अंतर्गत चंद्रनगर में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लिंक न्यायालय में ध्वजारोहण नहीं किया गया। दरवाजे पर ताला लटकता रहा। लिंक न्यायालय चंद्रनगर की जिम्मेदारी अनुभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार रूपम गुप्ता को सौंपी है। जहां एक ओर भारत सरकार संपूर्ण देश में घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला रही है, वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद बीडी शर्मा रैली निकाल कर लोगों को तिरंगा लगाने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं, वहीं जिम्मेदार अधिकारी ही शासकीय लिंक न्यायालय में ध्वजारोहण नहीं करते हैं। अधिकारियों के द्वारा शासन प्रशासन के नियमों को नजरअंदाज किया जाता है। कलेक्टर के द्वारा ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मचारियों पर प्रशासन कार्यवाही करेगा, यह एक प्रश्न चिन्ह है। ग्रामीणों ने बताया, चंद्रनगर नेशनल हाईवे रोड 39 के किनारे स्थित है, जहां लिंक न्यायालय में ध्वजारोहण नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि जिला के वरिष्ठ अधिकारी ऐसे कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे या नहीं। लेकिन अगर आप इतने उदासीन हैं कि एक संस्था को आप ध्वजारोहण नहीं कर पाए, तो निश्चित ही ये बहुत ही निंदनीय है और कड़ी कार्रवाई मैं कलेक्टर महोदय से आशा करता हूँ कि वो निश्चित ही इस पर कार्रवाई करेंगे। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही मानते हैं? अब साफ साफ ये तो जाहिर होता है कि लापरवाही घोर लापरवाही है, और इसके बारे में उनसे हम कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, या तो आपने उसको लिंक कोर्ट माना नहीं है, और यदि माना है तो आपको उसमें ध्वजारोहण क्यों नहीं किया। तो स्थानीय प्रशासन की लापरवाही मानते हैं? अब ये तो चर्चा का विषय है, हम चर्चा करेंगे कि स्थानीय लापरवाही है कि ये बाहर की है, ये पटवारी हालाई की है, किसकी है। नहीं तो सर, आप किससे चर्चा करेंगे? आप चर्चा हम एसडीएम साहब से करेंगे। एसडीएम साहब जब स्वयं आए थे इसका उद्घाटन करवाने के लिए, मैं खुद था उस उद्घाटन में, तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि सर ये किसकी लापरवाही है। आखिर या तो आपने इसको लिंक कोर्ट माना नहीं है, केवल खाना पूर्ति की है आपने, और यदि की है तो ऐसा ना हो आगे। नहीं सर, इस एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये लिंक कोर्ट तो है, हाँ, परंतु अधिकारी जो नायब तहसीलदार रूपम गुप्ता जी आती हैं, हाँ, वो कभी कब शायद है जब से खुली शायद एक या दो बार आई होंगी। इसके लिए, हाँ, इसके लिए हम लोगों ने अखबार में चैनल के माध्यम से कई बार अवगत कराया, हाँ, फिर भी प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती कि लिंक न्यायालय खोला जाए, क्यों? मैंने इसके विषय में अभी एक बार दुबे जी से चर्चा की थी, तो बोले ये अभी चुनाव की व्यस्तता चल रही है, और चुनाव की व्यस्तता जैसे समाप्त हो रही है अब, और बराबर जैसा नियम है वैसा किया जाएगा। लेकिन आज तो सर लगता है कि आज राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ, तब तो आज ध्वजारोहण का वहाँ पर कार्यक्रम भी किया गया। देखिए, मैं खुद अस्वस्थ रहा हूँ, इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया। मैं आप लोगों ने जैसे मुझे अवगत कराया, तो मैं इसकी जानकारी आदरणीय एसडीएम साहब से लूँगा कि क्यों ऐसा हुआ। चलो, धन्यवाद आपका।